और उसी की वजह है कि मुंह तो पहले भी हमारा था लेकिन अपनी इच्छा से खाने का अधिकार नहीं था, जुबान तो पहले भी थी लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये सब कुछ आज मिल रहा है मान सम्मान के साथ, तो हम लोग आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक खून रगों में दौड़ता रहेगा, तब तक उस परम पूज्य बाबा साहब के हम लोग ऋणी रहेंगे। 84,000 सोचिए स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण, कहाँ चला गया सब, कहाँ चला गया 60,000? कहा जाता है बिहार में ही 60,000 थे खाली, इसी की वजह से उस बिहार प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया। सम्राट अशोक का जो सांस्कृतिक योगदान है, क्योंकि बाबा साहेब भी कहा करते थे कि सांस्कृतिक परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो बाकी परिवर्तन स्वयं ही हो जाएंगे। अब आज का राजा क्या कहता है? आज का राजा कहता है कि मैं तो चौकीदार हूं, तुम तो परमपिता पेनोसर की संतान हो, रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है। क्या 84,000 स्तूप जो पूरे भारत में बने क्या अकेले अशोक ने बनवा दिया होगा? संभव है इतना राजकोष में पैसा होगा? इसका मतलब शुरुआत अशोक ने की होगी, बनवा तो जनता ने दिया होगा। रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति है। आप कैसे उठते हो, कैसे बात करते हो, आपकी रोज की सहन का, यही तो संस्कृति है। सबका संरक्षण मेरा संविधान है, सबका संरक्षण हमारा संविधान है, और सम्राट अशोक की विचारधाराओं का ही दस्तावेज है हमारा संविधान है। तो जिसके व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से पता न चले कौन धर्म का आदमी है, वही धर्म का सार तत्व है। तो समस्याएं भले अनेक हो सबकी, लेकिन समाधान सबका एक ही था, भगवान बुद्ध का धर्म। तो आज से बहुत साल पहले अशोक नहीं रहे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र आ गया और राज मुद्रा पर अशोक स्तंभ आ गया, तो प्रतीक चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि अशोक का देह शरीर भले न रहा हो लेकिन वैचारिक शासन आज भी चल रहा है उन्हीं का। पूरे देश को मिला के राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन अकेले इसको महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है? भाई पूरा देश को राष्ट्र कहते हैं और इसको अकेले महाराष्ट्र क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि पूरे देश ने मिल के जो किया होगा वो कुछ खास अकेले महाराष्ट्र ने किया होगा, इसलिए इसका नाम महाराष्ट्र है। और पूरा देश कैसे चलेगा ये भी तो महाराष्ट्र ने ही तय किया है। भाई पूरा देश कैसे चलेगा ये महाराष्ट्र ने तय किया है, उन्हीं को तो वंदन कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं को तो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया पहले चलती थी किसी और के इशारे पर, अब तो चलती है इनके इशारे पर, और उनके इशारे पर चलते थे तो दुनिया कैसे चलती थी, हमारी क्या दशा थी, और जब इनके इशारे पर चली तो हमारी क्या दशा है हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और उसी की वजह है कि मुंह तो पहले भी हमारा था लेकिन अपनी इच्छा से खाने का अधिकार नहीं था, जुबान तो पहले भी थी लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये सब कुछ आज मिल रहा है मान सम्मान के साथ, तो हम लोग आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक खून रगों में दौड़ता रहेगा, तब तक उस परम पूज्य बाबा साहब के हम लोग ऋणी रहेंगे। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, महान सम्राट अशोक की, कल मैंने अशोक जांबुलकर जी की जो नाटक था उसको मैंने बड़ा गहराई में प्रवेश करने की कोशिश की, और इस कदर प्रवेश कर गया कि ख़त्म होते होते वो पूरी आंसू की लहर निकल रही थी, और अंत में मैं सिसकते सिसकते मंच पे पहुंचा और इस कृतज्ञता को मैं अशोक जी को गले लगा कर व्यक्त किया। और आज जो मुझे जो बोलने का अवसर है और जो विषय दिया गया है बड़ा ही कठिन है, क्योंकि सम्राट अशोक से संबंधित जो बातें हैं वो बड़ी धूल में सनी हुई हैं, धूल में सनी हुई हैं, माटी में दबी हुई हैं। अब एक बात तो कहना बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि अच्छा हुआ कि हम गुलाम हो गए, कि शायद गुलाम न होते और अंग्रेज ना आए होते तो प्रिंसेप भी ना आए होते, कनिंघम भी ना आए होते। तो गुलाम हुए इसका दुख है, लेकिन प्रिंसेप आए इसकी खुशी भी है, कनिंघम आए
इसकी खुशी भी है, क्योंकि वो ना आते तो कौन बताता कि हम कौन हैं, हम कौन हैं कौन बताता। तो मैं तो मानता हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अगर भगवान बुद्ध हमारे पूजनीय हैं, अशोक अगर पूजनीय हैं, तो जो इनको बताया इनके बारे में हमें, वो भी कम पूजनीय नहीं है। क्योंकि बुद्ध तो पहले भी थे, अशोक पहले भी थे, उनके खंडहर पहले भी थी, लेकिन चील कौओं के शौच करने का स्थान था वो खंडहर, उसने उसे पूजनीय बनाया अंग्रेजों ने आकर यहां। तो हमें उनका ऋणी होना चाहिए और हम भी उनके ऋणी हैं। और मेरी हैसियत नहीं है उस तरह की बोलने की जिस तरह के विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े शोध किए हैं, बड़े बड़े किताबें लिखी है, सत्यजीत जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हैं, मेरी हिम्मत नहीं है, फिर भी आया हूँ। तो जो आप बोलेंगे आपसे सुनूंगा, आपसे सीखूंगा, और जो मेरे पास है वो आप लेंगे, विचार दोनों के एक साथ हो जाएंगे। तो एक रुपया अगर आपके पास है, एक रुपया मेरे पास है, दोनों एक दूसरे को दे देंगे तभी एक ही रुपया रहेगा। लेकिन एक विचार मेरे पास है, एक विचार आपके पास है, दोनों दे देंगे तो दो दो हो जाएगा, दोनों अमीर हो जाएंगे बौद्धिक क्षमता के। तो उसी की कोशिश रहेगी। आज का जो विषय है सम्राट अशोक का संस्कृत योगदान, तो सम्राट अशोक को आज तक भारतवर्ष में अगर पढ़ाई हुई है तो केवल जनरल नॉलेज की सामग्री समझ के पढ़ाई हुई है, एग्जाम के मटेरियल समझा गया इनको कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसमें जीके पूछा जाएगा और प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा और बौद्ध धर्म अशोक पे खास कर पूछा जाएगा, इसलिए तैयारी का सब्जेक्ट रहे मात्र अशोक। कभी भी भारतवर्ष की विविधताओं का, भारतवर्ष की समस्याओं का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान अशोक हैं, इस उद्देश्य से कभी नहीं पढ़ाया गया, इसलिए उन पर धूल जम गई। और हुआ क्या कि जो इतिहास में शोध का पात्र रहे, आज जिस पे हमारे छात्र शोध करते हैं, जो हमारे महापुरुष इतिहास में शोध का छात्र रहे, वो समाज में श्रद्धा का पात्र नहीं बन सके, और जो समाज में श्रद्धा का पात्र हैं वो इतिहास में जगह नहीं बना सके, वो इतिहास में जगह नहीं बना सके। इतिहास में जगह बनाने की होड़ लगी है अभी कि हमको भी इतिहास में थोड़ा जगह मिल जाए, लेकिन इतिहास तो इतिहास है, सच्चाई तो सच्चाई है। और कहा जाता है कि किसी भी संस्कृति के व्याख्याकार अगर नहीं रहते हैं तो संस्कृति या तो नष्ट हो जाती है या तो भटक जाती है, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो समझाया गया वो हमने समझा, जो बताया गया वो हमने सुना, अपना दिमाग हमने कभी नहीं लगाया। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, इसी पर भरोसा हम करके आगे बढ़ने लगे। उसी बीच अशोक आए। अब सोचिए कि वेडले लंदन में बैठा हुआ अंग्रेज सोच रहा है कि पाटलिपुत्र कहाँ है, ये तो हमारी ड्यूटी थी, ये तो भारत के लोगों की ड्यूटी है कि अशोक की क्लासिकल कैपिटल कहाँ है, लेकिन ब्रिटेन में बैठा एक आदमी सोच रहा है और सोच के खोज निकाला। कितना कठिन था खोजना इसे, क्योंकि कहां है पता नहीं था, और खोजने के लिए वेन सांग फायान इत्सिंग के अलावा कोई उपाय नहीं था, लेकिन वहां पे दूरियां लिखी थी कि कहां से गया से कुशीनगर से कहां किसी उसी से हिसाब किताब उन्हें लगाया, और लगा के जब ये फाइनल हो गया कि दिस इज द कैपिटल ऑफ अशोका, तो नंगे बदन अपना वस्त्र निकाल दिया उन्होंने और निकाल के ऐसे नंगे लेट गए धरती पर कि आज मेरा सौभाग्य है कि यही वो जगह है अशोका का कैपिटल जहां मेरे तन मन को स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है। ये सोच अंग्रेज की थी, और हम सोचे इतना ही व्यस्त थे लगने में कि अशोक तो 99 भाइयों की हत्या कर दिया, हथियार रख दिया, हम कायर हो गए, इसी में बहस में लगे थे। 99 भाई कैसे हो सकते हैं, इस पर भी दिमाग नहीं लगा कि 99 बच्चे कैसे पैदा कह सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग था ही नहीं हमारे पास,
दिमाग तो सुन्न कर दिया गया था, माना तो देवनाथ पत्थर, उसी में अशोक चल रहे थे। धीरे धीरे हमारे समाज में कुछ लोग आए जो धरती को खोदना शुरू किए, कुरेदना शुरू किए, धूल को झाड़ना शुरू किए। पहले कुछ गलतियां मिली, कुछ सहियां मिली, धीरे धीरे हम ही खोजे सही है, फिर हम ही कहे नहीं ये गलत है। क्योंकि नया नया बच्चा चलना सीखा तो क्या, इधर उधर पड़ता है, कूदता है, कुछ पता नहीं किधर जाना है। तो हम लोग भी नया नया थे, ऐसे ही कूद रहे थे, ये सही है वो सही है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता गया, चिंतन करने का स्तर बढ़ा गया, तो सही से हम सहीतम माने अच्छे से अच्छेतम की तरफ बढ़ना शुरू किए। तब अशोक पे शोध हुआ, धीरे धीरे शोध करना शुरू। आज भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, 84,000 सोचिए, स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण, कहाँ चला गया सब, कहाँ चला गया 60,000? कहा जाता है बिहार में ही 60,000 थे खाली, इसी की वजह से उस बिहार प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया, बिहारों की वजह से ही। लेकिन उसमें बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारा समय भी लगेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो सम्राट अशोक का जो सांस्कृतिक योगदान है, क्योंकि बाबा साहेब भी कहा करते थे कि सांस्कृतिक परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो बाकी परिवर्तन स्वयं ही हो जाएंगे, बाकी परिवर्तन स्वयं ही हो जाएंगे, रातों रात हो जाएंगे। और बाकी परिवर्तनों में ये ताकत नहीं है कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन कर दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का कार्य है, ये रातों रात नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, सत्ता शासन की तरफ ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं। और सत्ता से जो संस्कृति स्थापित होती है, सत्ता के जाते ही वो नष्ट भी हो जाती है। लेकिन जनता के द्वारा संस्कृति स्थापित होगी तो सत्ता आए चाहे जाए वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए आप देखिए, जो समाज में महापुरुष श्रद्धा के पात्र हैं, वो सत्ता आए चाहे ना आए उनकी जयंतियां चलती रहती हैं, घर घर में मनाए जाते रहते हैं। लेकिन जो सत्ता के दम पे आते हैं, उस सत्ता के जाते ही फिर जनता वैसे ही हो जाती है। इसका मतलब सम्राट अशोक को इतिहास से निकाल के, पुस्तकालय से निकाल के हमें आम जनमानस में ले जाने की जरूरत है, जो अब तक नहीं हुआ है। और आप सबके प्रयास से, हम सबों के प्रयास से ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कभी हम लोग लीला देखते थे गांव गांव में 14 वर्ष का, आज भी हमने लीला देखा है अशोक जांबोलकर जी का। वो लीला थी, एक समय की बात है, एक राजा राज्य करता था। लेकिन क्या जो कल लीला देखे ये भी एक समय की बात है, ये निश्चित तारीख की बात है। कोई घटना घट रही तो पीछे से बोला जा रहा था, 373, 268 डेट बोला जाता था, 304 बोला जाता था। यहाँ एक समय की बात नहीं है, यहाँ सब का सब निश्चित समय की बात है। और जो निश्चित समय की बात है वही इतिहास है, बाकी सब कल्पना है। एक समय की बात का मतलब क्या होता है? एक समय की बात का मतलब वही होता है कि जैसे कोई आदमी किसी ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ गया हो और टीटी आए, बोले कहाँ चढ़े हो, जहे मान लो, कहाँ उतरना है, जहे उतार, तो टिकट थोड़े लिए हैं भाई, विदाउट टिकट हूँ, जहे मान लो वहीं से चढ़ा हूँ, जहे उतार दोगे वहीं उतार दोगे, नहीं उतारोगे चला जाऊँगा जहाँ जाना है। लेकिन यहाँ तो निश्चित है, 563 ईसा पूर्व चढ़ा हूँ और कब उतरूँगा ये भी तय है। तो इतिहास तो इसी को कहते हैं। लेकिन ये इतिहास समाज में नहीं जा पाया, और जो समाज में था वो इतिहास में नहीं आ पाया। यही गैप को ठीक करना हमारा आपका काम है, इसी के लिए हम उत्तरदायी हैं, इसी के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिया है। वो अधिकार पाने के बाद भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किस काम का अधिकार, किस काम की बौद्धिक क्षमता हमारी है, इसी की कोशिश करनी है। तो सम्राट अशोक पर हम आते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा विशाल था कि इस विशाल साम्राज्य को संभालना इतना आसान नहीं था। यहाँ एक गांव का मुखिया प्रधान, आपके यहाँ सरपंच कहते हैं शायद, एक गांव को संभालना कितना कठिन होता है सरपंच को, एक सरपंच पूरी दुनिया कैसे संभालेगा, क्या ये काम तलवार के ताकत से हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब होगा भी तो तब तक रहेगा जब तक तलवार में ताकत रहेगी, जो ही एहसास होगा कि तलवार कमजोर पड़ रही है फिर वो अपने औकात में फिर आ जाएगा आदमी। तो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाला जा सकता है? तो जान गए कि शस्त्र के ताकत से इसे संभाला नहीं जा सकता। तो कलिंग के युद्ध से पहले सम्राट अशोक को शस्त्र की ताकत का ज्ञान था, तो जनता को कंट्रोल करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन जब धम्म का ज्ञान हुआ, धम्म की ताकत का एहसास हुआ, तो तलवार कितनी नकारा है इसकी कमजोरी का भी एहसास अशोक को हो गया। क्यों? क्योंकि तलवार की ताकत से कलिंग की जमीन को जीता जा सकता है, जमीर को नहीं जीता जा सकता है। तलवार की ताकत से जमीन जीत सकते हैं, शरीर जीत सकते हैं, उसी रूह को नहीं जीत सकते हैं। यह समझ गए अशोक। तो लोग तो कहते हैं कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया, यह दुनिया में चर्चा है, लेकिन तलवार रखा तो क्या उठाया इसकी चर्चा तो है ही नहीं। क्या तलवार रख के चल दिए? इसका मतलब तलवार को रखा होगा, अगर चांदी रखा होगा तो सोना उठाया होगा, लोहा नहीं उठाएगा कोई। अगर चांदी रखा होगा तो लोहा उठाया होगा, हीरा उठाया होगा, लोहा नहीं उठाया होगा। तो चांदी रख दिया ये तो चर्चा हो रही है, लेकिन जिसको उठाया उसकी चर्चा दुनिया में नहीं हो रही है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे, क्या उठाया और उसका प्रभाव क्या हुआ आम जनता के ऊपर और दुनिया के इतिहासकारों के ऊपर, क्योंकि भारत में तो इतिहासकार थे ही नहीं। भारत में तो कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, इतिहासकार कहाँ थे? इतिहासकार होते तो आज हमको आपको बोलने की जरूरत पड़ती, ये हमारे संस्कारों में होता। आज जो संस्कार है वो हमारे इतिहास में नहीं है, इसका मतलब हमारे देश में इतिहासकार थे ही नहीं। यहां तो उन उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार ये थे, और उसको लिखने में सुविधा थी कि अपने हिसाब से लिखना था, कोई सच्चाई की बात ही नहीं थी। इसका एक उदाहरण देख, मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति खरीदने गया एक मूर्तिकार के पास, तो इसी एक देवता की मूर्ति खरीदा, तो बोला कि इसका 2000 लगेगा और भगवान बुद्ध का 25000 लगेगा। कहने अरे ऐसा क्यों? तो एक बार रहस्य उसने मुझे बताया उस दिन, कहा कि इस मूर्ति को फ्री हैंड बनाया जाता है, इसमें पहचाना नहीं है कि आदमी वो है कि नहीं है। अगर बंदर की तरह दिख रहा है तो कंफर्म है कि वही है, इसमें चेहरा आधार कार्ड मिलाने की जरूरत, लेकिन भगवान बुद्ध को तो उसी तरह बनाना है, तो इसको पत्थर फोड़ वाला नहीं बनाता, इसको आर्टिस्ट बनाता है। इसको फ्री हैंड नहीं बना सकते, क्योंकि तुरंत ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि भगवान बुद्ध की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका 25000 दाम है। तो मैं समझा कि यही बात इतिहास में भी है, कि जिसको सही सही लिखना पड़ेगा, जिनके पास सही है ही नहीं है वो सही क्यों लिखने चाहेंगे। तो कल्पनाओं में बहना शुरू हो गया और कथाओं और कहानियों का निर्माण शुरू हुआ, ताकि वो कलाकार करेगा क्या बैठ के। तो एक समय की बात है, कह शुरू शुरू कर दिया और कहकर पूरा भोर दिया पोथा पूरा, और उसी में हमारा पूरा समाज उलझा पड़ा हुआ है। जो सही है उसको गलत मानता है और जो गलत है उसी को सही मानता है। सही मानने वाला इतना बड़ा समूह है कि हम हिम्मत से कह भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कह देंगे तो हमारा आदमी ही हमारी जान ले लेगा, हमारा आदमी ही हमारा जान ले लेगा। तो बचना भी है, कहना भी है। उसे मारने की जिद है, मुझे कहने की जिद है। और कहते कहते ही आप जैसे हमारे लोगों ने कहते कहते आज इस मिशन को यहां तक पहुंचाया है, नहीं तो कब का डूब गया होता। तो अशोक के सामने एक समस्या आई कि इसको संभाला कैसे जा सकता है। तो जब तक राजा राज्य और जनता के बीच में निष्ठा पैदा नहीं होगी, लगाव पैदा नहीं होगा, विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक सत्ता को संभाला नहीं जा सकता। अपने बेटे और संतान के लिए आदमी जो चाहे वो करेगा, उसके बीमार होने का न, रात में बीमार पड़ गया 12 बजे, तब भी बाप तैयार है उसकी सेवा के लिए, चल बेटा जल्दी ले चलते हैं। बेरोजगार भटक रहा है तो बेटा तैयार है कि पैसा ले, जल्दी कोई रोजगार कर, भूखो नहीं मरना है। तो जब किसी राजा ने प्रजा को संतान मान लिया तो उसके सारे उत्तरदायित्व को बिना कहे एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा है कि नहीं? तो जब राजा मान लिया, राजा हो गया पिता और जनता हो गई पुत्र, और वो भी ऐसा पिता जो आपका इलोक ही नहीं परलोक की बात करने लगा, भौतिक ही नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को देने वाली सुखी संतान हमारी हो, ऐसा जब राजा हो तो प्रजा को क्या चिंता की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा केवल कहे और करे ना तो भरोसा पैदा नहीं होगा। तो जब प्रजा को पुत्र मान लिया तो समस्त जिम्मेदारी ले ली। अब आज का राजा क्या कहता है? आज का राजा कहता है कि मैं तो चौकीदार हूं, तुम तो परमपिता पिनोसर की संतान हो,
रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है, तो खेलो बैठ के रामलीला मैदान में, हम क्या कर सकते हैं। यानी यहां पुत्र मानकर जिम्मेदारी लेता है, वहां परमेश्वर के संतान मान के जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। सोचिए कैसा राजा आज का है, कैसा राजा उस समय था। आज कहता है कि आप तो परम पिता परमेश्वर संतान हो, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है ऊपर वाले करना है, और ऊपर वाले से मिलना है तो मैं बनवा दिया हूं जाके, देख लो बहुत दिन संघर्ष चल रहा था, मैंने बनवा दिया जाके, अब बसों से भरो और बसे भर भर के जाओ, नौकरी मांगना है, पैसा मांगना है, सस्ता पेट्रोल मांगना है, डीजल मांगना है, सब वही मांगो, रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो जाओ मांगो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज से 2300 साल पहले का राजा क्या सोचता था और आजाद भारत का राजा क्या सोच रहा है, ये गैप है विचारों में, इसलिए असंतोष की भावना देश में व्याप्त है, इसलिए व्याप्त है, जिम्मेदारी से भाग रहा है। तो अशोक जब कहते हैं, इसे अशोक की खूबी क्या थी कि जैसा उन्होंने कहा पिता पुत्र की बात, वैसा व्यवहार भी किया, वैसा रिजल्ट भी दिया, तब जाके जनता ने सम्राट अशोक को सम्राट अशोक महान कहा, महान जनता ने कहा, उन्होंने अपने से नहीं कहा। तो ये कब हुआ, जब निष्ठा पैदा हुई। इसका मतलब सम्राट अशोक का जो शासन है वो शासन से अनुशासन की ओर जाने वाला एक सफर है। शासन उसे कहते हैं जो शासन के मतलब राजदंड के ऊपर संचालित होता है, वो डर के मारे संचालित होता है, वो शासन के द्वारा होता है। लेकिन अनुशासन किसे कहते हैं, आदमी स्वयं संचालित हो, बाएं चलना है, बाएं चलना है, ये आदमी स्वयं चलता है कि कोई कहता है वहां खड़ा होके, उसको पता है कि संविधान में लिखा है हमको बाएं चलना है, ठीक है, वहां कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है कि चलना है तुझे जबरदस्ती। उसी तरह पूरा संविधान अगर मेरे अनुशासन में आ जाए तो क्या प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो सोचो अनुशासित होते ही देश के कितने खर्चे बच जाएंगे, कितनी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो सम्राट अशोक का जो शासन था वो शासन से अनुशासन की ओर जाने वाला एक सफर था। आज जब आदमी अनुशासित होता है तो स्वयं संचालित होता है, अशासित होगा तो कोई ना कोई एक दंडाधिकारी की जरूरत पड़ती है, उसे कोई डंडा लेके खड़ा रहोगा तभी वो बात मानेगा। तो ये बड़ा ही कठिन भी है और सहज भी है, लेकिन जनता के द्वारा अगर होगा तो सहज हो जाएगा, और राजा के द्वारा करवाया जाएगा तो कठिन होगा। लेकिन अशोक ने क्या किया, उन्होंने आदेश नहीं दिया किसी को, वो संदेश दिया। आदेश संदेश में ही फर्क होता है कि डीएम आएगा बोलेगा डीएम साहब है सब गली साफ करो, लेकिन डीएम साहब नहीं साफ कर रहे हैं, वो साफ कर रहा है। तो जब वो साफ करे मैं ना कर रहा हूं, ये आदेश है, लेकिन बोलता है कि चलो साफ करते हैं, जो मैं करता हूं वो तुम भी करो। तो जैसा राजा बोलेगा वैसा ही प्रजा करेगी, वो संदेश कहलाता है। इसलिए नेताओं को गंदगी नहीं भी रहती है तो ठेला से कूड़ा गिरवा के फोटो लेना पड़ता है। क्या होता है भाई, जनता को संदेश भेजना है तो कूड़ा नहीं है तो ठेला से कूड़ा मंगाओ कैमरे के सामने, मैं झाड़ू लगाऊं और उसका फोटो खींचे जनता में जाए, तो क्या ऐसा है क्या, वो तो फोटो खिंचाने के लिए कर रहा है ना। तो जब नाटक करोगे फोटो खिंचाने के लिए तो जनता में निष्ठा और भरोसा पैदा नहीं होगा। अशोक की खूबी यही थी कि उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया, और जैसा किया वैसा ही कहा, यानी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं हुई, तब जाके जनता के बीच में विश्वास पैदा हुआ। यहां तो 1 करोड़ नौकरी दूंगा, पहले कलिंग से पहले 1 करोड़ नौकरी दूंगा, और कलिंग के बाद आत्मनिर्भर भारत, अब मेरे बस में कुछ तो। ऐसा करोगे तो निष्ठा भरोसा कहां से पैदा होगी भाई, जैसा बोलो ऐसा करो ना तो मत बोलो, जैसा बोलो ऐसा करो नहीं तो मत बोलो, नहीं तो कैसे पैदा होगा निष्ठा। तो जो विरोध होगा जनता की तरफ से उसको तलवार के दम पर शासन के दम पर दबाने की कोशिश करेंगे तो उससे निष्ठा पैदा, समस्या का हल नहीं हो सकता उससे। जनता चुप हो जाए डर के मारे अलग बात है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो अशोक के सांस्कृतिक आंदोलन का यह असर हुआ कि जनता स्व अनुशासित होना शुरू हो गई, तो इतना बड़ा साम्राज्य संभाला जा सका, नहीं तो 38 साल तक लगातार
शासन चलाना ये आसान खेल नहीं है। आज 5 साल लोग नहीं चला पाते, 38 साल कैसे चलेगा। आज एक कुछ भी बनाना होता है तो कितनी मशीन लग रही है, लेकिन सोच के रोआ सिहर जाता है कि कितने सैकड़ों कुंटल का एक अशोक स्तंभ चुनार से पूरे भारत में कैसे गया होगा, वो कैसे इंजीनियर होंगे, कैसे लोग होंगे जो पहुंचाए होंगे। आज क्या 84,000 स्तूप जो पूरे भारत में बने, क्या अकेले अशोक ने बनवा दिया होगा। संभव है इतना राजकोष में पैसा होगा। इसका मतलब शुरुआत अशोक ने की होगी, बनवा तो जनता ने दिया होगा, ऐसे कि नहीं है। आज बुद्ध विहार कौन बनवा रहा है, सरकार बना रही है, हम आप बना रहे हैं। और जितनी निष्ठा पैदा होगी 60,000 फिर हो जाएंगे 84,000। ये सरकार से नहीं होंगे, ये जनता के निष्ठा से होंगे। और इसीलिए सम्राट अशोक ने तलवार तो रखा लेकिन निष्ठा को उठा लिया। वो जान गया कि निष्ठा और तलवार में जब भी लड़ाई होगी तो तलवार हारेगी और निष्ठा जीतेगी। इसीलिए एक पूरे दुनिया में एक माहौल बन रहा है, एक तरफ हिंसा की बात चल रही है और एक तरफ अहिंसा की। अहिंसा को लोग कमजोरी समझते हैं, अहिंसा माने कायर होता है। इसी बात को लेकर अशोक की आलोचना होती है समय समय पर, हथियार रख दिया इसलिए तो हम लोग कायर हो गए। तो एक बार हथियार किसी व्यक्ति ने रखा तो उसका 1,000-2,000 साल असर रहेगा क्या, उसके बाद तो हथियार वाले पैदा हुए ना, तो काहे नहीं बहादुर बना दिए। वो क्यों नहीं बहादुर बना दिए, उसके बाद तो हथियार वाले आ गए। हथियार रखने वाला तो एक काल है, उसके बाद दसों काल आए हथियार वाले। तो आज हम लोग किसका जन्मदिन मना रहे हैं, किसका नाटक कर रहे हैं, हथियार वालों का कि हथियार रखने वाले का। इसका मतलब हथियार वाले में उतनी ताकत नहीं थी जितना हथियार रखने वाले में ताकत थी। लेकिन हम हथियार की ताकत तो समझ में आया हम लोगों को, लेकिन हथियार रखने की ताकत का समझाने वाला कोई नहीं था। ये हमारी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि उन्हें धम्म की ताकत समझानी है, क्या समझाना है। तो दुनिया दो भाग में बंटने वाली है, एक तरफ हिंसकों की फौज होगी, एक तरफ अहिंसकों की फौज खोड़ी होगी। हिंसक अपने गोला बम बारूद बनाएंगे और अहिंसक का सेनापति क्या बनाएगा, वो बौद्धिक ताकत की पराकाष्ठा को ऊंचा उठाएगा, वैचारिक ताकत को ऊंचा उठाएगा, वैचारिक अपने विचारों में पॉलिश करेगा, उसमें धार देगा। फाइट होगी, कभी लड़ेंगे दोनों, अहिंसक का सेनापति भी खड़ा होगा और हिंसकों की फौज भी खड़ी होगी। एक बार फाइट होगी तो कोई भी हार सकता है। अरे बंदूक से बंदूक लड़ती तभी तो कोई हारता है कि दोनों जीत जाते हैं बंदूक से लड़के। बंदूक से युद्ध होगी तब वो कोई हारेगा कोई जीतेगा, और हिंसा हिंसा से लड़ेंगे तब वो कोई हारेगा कोई जीतेगा। एक हारेगा पक्का, चाहे हथियार से लड़ो चाहे बिना हथियार से लड़ो। तो एक तरफ अमेरिका जैसे दोस्त खड़े होंगे एटम बम लेके, तो भारत भी खड़ा होगा गौतम बुद्ध का धम्म लेके। अब लोग अपनी अपनी गोल पहचानेंगे कि मैं किस सेना का आदमी हूं। छूट सबको होगी, जो कोई इधर खड़ा होगा कोई उधर खड़ा होगा, जुर तो होंगे ही। वो तलवार से लड़ेगा हम विचार से लड़ेंगे, वो बम से लड़ेगा हम धम्म से लड़ेंगे। हम अपनी धम्म में धार देंगे ताकत बढ़ाएंगे, अपनी तलवार और बम में ताकत देगा, लेकिन लड़ेंगे पक्का। लेकिन परिणाम क्या होगा ये पहले से पता है, क्योंकि संजोग से अगर तलवार वाला जीत गया बम वाला जीत गया तो उसका परिणाम यह होगा कि जीतने वाला भी नष्ट हो जाएगा और हारने वाला भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन संजोग से हम लड़ते रहे और धम्म का सेनापति जीत गया तो जीतने वाला का कल्याण हो जाएगा और साथ साथ हारने वाला का भी कल्याण हो जाएगा, दोनों का कल्याण होगा। तो आप जिस मिशन और जिस आंदोलन के हिस्सा हैं वो कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। जान वहां भी जाती है और जान यहां भी जाएगी। वहां दोनों मरेंगे यहां दोनों बचेंगे, फर्क इतना ही है। वहां दोनों मरेंगे यहां दोनों बचेंगे, तो एक महापुण्य के काम में हम निकले हैं, महापुण्य के काम में निकले हैं, कोई हंसी खेलिए नहीं है। और अहिंसा का पालन करना ये बहादुरी की पराकाष्ठा है, और ये सम्राट अशोक जैसे समर्थ राजा के बस की बात है, ये अरे गहरे किसी बस की बात नहीं है। क्योंकि क्षमा शोभति उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है।
जिस पास क्षमा करने का पावर है, जिस पास मारने का भी अधिकार नहीं है, वो क्षमा क्या कर पाएगा? अब बिल्ली को बोले चूहा कि हमने माफ कर दिया उसको, अरे क्या माफ करोगे भाई, तुम्हें मारने की औकात नहीं, माफ क्या करोगे? अब मारने की औकात हो क्षमा करे तो बोलेंगे क्षमा कर दिया। तो अहिंसा का पालन अगर दुनिया में करना हो तो उसके लिए समर्थवान होना बहुत जरूरी है, और सम्राट अशोक जैसा समर्थवान व्यक्ति ने ये जो नॉन वायलेंस की क्रांति की, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था भारतवर्ष की यात्रा में, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। लेकिन अफसोस थी कि ऐतिहासिक परिवर्तनों के तहत कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हम आप उस आंदोलन से दूर हो गए, उसको समझ नहीं पाए। आज फिर से हम लौट रहे हैं और इस आंदोलन में जो अशोक जांबोलकर जी का जो नाटक है, एक हिस्सा उसका बन सकता है जनता को उस सत्य से बोध कराने में। तो मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस सांस्कृतिक अकाल के दौर में, सांस्कृतिक अकाल पड़ा हो उसमें आपने दो बूंद पानी डाला है, ये बहुत मजा आएगा आगे जा करके। तो इस तरह से अशोक, तो एक तो हो गया कि निष्ठा के ताकत को उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन एक हो संस्कृति, किसे कहते हैं, रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति है। आप कैसे उठते हो, कैसे बात करते हो, आपकी रोज की सहन का, यही तो संस्कृति है। और एक संस्कृति जो होती है जो पहले से चली आती है, एक संस्कृति बाद में निर्मित कर दी जाती है, यानी संस्कृति मानव निर्मित है, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है। इसीलिए कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छूत है, कोई अछूत है, ये मानव निर्मित संस्कृति है, ये प्रकृति का निर्मित नहीं है। इसका मतलब अगर हीनतामूलक संस्कृति बनाई जा सकती है तो श्रेष्ठतामूलक भी संस्कृति बनाई जा सकती है। अगर किसी ने हीनतामूलक संस्कृति बनाई है तो श्रेष्ठतामूलक संस्कृति भी बनाई जा सकती है। तो हीनतामूलक बनाया तो हमें नीच होने का बोध होने लगा, और श्रेष्ठतामूलक संस्कृति हम बनाएंगे तो फिर श्रेष्ठ होने का बोध होने लगेगा। तो इसके लिए पूरा परिवार कैसे चले, तो उन्हें लगा कि जनता को धन के अभाव में भी नहीं रहना चाहिए और धन के प्रभाव में भी नहीं रहना चाहिए, यानी धन के दबाव में कोई गलत काम भी नहीं होना चाहिए और धन के अभाव में कोई सही काम होए बगैर रुकना भी नहीं चाहिए। इस संस्कृति को पारिवारिक संस्कृति बनाने लिए सम्राट अशोक ने एक नया संस्कार संस्कारित किया समाज में, जिसको कहते हैं अल्प व्यय और अल्प संचय। अल्प संचय क्योंकि आय से ज्यादा व्यक्ति अगर खर्च करता है तो वो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए रिश्वत लेगा, गलत काम करेगा, अनुचित तरीके अपनाएगा, और ऐसा नहीं होता है इसलिए नक्सलवाद जैसी समस्याओं का जन्म होता है। एक अभाव में है, एक प्रभाव में है, तो मारामारी होगी। तो समस्या का जो समाधान है वो ना करके उन्हीं को मिटाने की, अरे भाई मच्छर का काम मच्छर क्या करता है, काटता है, हमारा काम क्या है, रात भर काटा तो हम गाली किसको देते हैं, मच्छर साले रात भर काटते रह गए, मच्छर का काम क्या है, तो कौन सा गलत काम कर रहा है, कौन सा गलत काम, तो स्वभाव है भाई मच्छर का काटना, हमारा स्वभाव क्या है, रात भर कटवाना, हमारा स्वभाव क्या है, तो हमने कटवाया, गलती हमारी है, कमजोरी हमारी है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम गाली मच्छर को दे रहे हैं, मच्छर को दे रहे हैं, आ हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, मच्छर मार भी नहीं सकते क्योंकि समस्त प्रजा में, समस्त संसार में हर जीव को जीने का अधिकार है, वो तो वो भी है, वो भी तो उसी जीव का हिस्सा है, वो नहीं जिएगा क्या, उसको भी जीना है अपने स्वभाव के हिसाब से, और हमको जीना है अपने स्वभाव के हिसाब से, तो वो जिएगा काटते काटते, हम जिएंगे मच्छरदानी लगा के, क्या दिक्कत है, तेरा भी भला हो गया मेरा भी भला हो गया, तू सोच दिन भर खोजेगा कहां से काटूंगा, मैं रात भर सोऊंगा तू काट नहीं पाएगा, तो बचने का एक भी तरीका है, अब मच्छर मार अगरबत्ती जला देंगे भी तो तरीका है, तो मर रहा है कि नहीं मर रहा, अब मार रहे तभी मर रहा है, तो जब आप किसी को मारेंगे तो किसी क्रिया के प्रति उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी, प्रकृति का नियम है, आपका नियम नहीं है, इवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप नहीं चाहेंगे तब भी होगा। तो आप जब आपके बाप को कोई मारेगा तो कैसा लगता है, अब मच्छर के बाप को कोई मारेगा तो कैसा लगेगा उसे, उसको भी तो खराब लगता होगा, रिएक्शन तो करता होगा अपनी क्षमता के हिसाब से, क्षमता नहीं है अलग बात है, लेकिन रिएक्शन तो करता होगा। तो एक मच्छर मारेंगे तो 10 मच्छर पैदा होंगे, 10 मारेंगे 2000 पैदा होंगे, तो दिन 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 पर दिन मच्छरों की संख्या क्या हो रही है,
यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है कि हमें चैन से नहीं तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। क्योंकि 80 लाख की गाड़ी चलने के लिए है तो एक कांटा पंचर करने के लिए कमजोर नहीं है। गाड़ी खड़ी हो जाएगी 80 लाख की अगर एक कांटा धंस जाए तो एक मच्छर भी इसके लिए काफी है कि रात भर आपको सोने नहीं देगा। लेकिन अशोक कहते हैं कि उसको भी जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। ये भी तो एक संस्कृति है, जियो और जीने दो। मैं भी जीऊंगा मच्छर, तू भी जिएगा। तेरे बीच में बाधा आएगा तो मैं हूं ना, समस्त प्रजा हमारी संतान है, समस्त लोक हमारी संतान है, पेड़ पौधे नदी तालाब पोखरा सब अशोक की संतान है और सबकी सुरक्षा राजा का काम है। किसी पोखरा को भर के मकान बनाते तो कौन दौड़ता है, राजा पहुंचता है। क्यों भर रहे हो भाई, पेड़ आपने लगाया, पेड़ काट सकते हो क्या, काटते हो जिंदा पेड़ तो कौन आता है। पेड़ लगाने का अधिकार है, काटने का अधिकार नहीं है। बच्चा पैदा करने का अधिकार है, उसे हत्या करने का अधिकार नहीं कि मैं लगाया हूं मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, नहीं कर सकते। सबका संरक्षण मेरा संविधान है, सबका संरक्षण हमारा संविधान है और सम्राट अशोक की विचारधाराओं का ही दस्तावेज है हमारा संविधान है, उन्हीं के विचारों का दस्तावेज संविधान है। लेकिन आसानी से हमें मिल गया तो उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है, तो उसको भी जीना है, हमें भी जीना है। तो जियो और जीनो जैसी महान संस्कृति और संस्कार का योगदान अशोक का हमें मिला है। लेकिन ये तकलीफ तब हो जाती है कि मैं ही जीऊंगा, तुझे जीने नहीं दूंगा, मेरा सम्मान होना चाहिए तेरा नहीं होना चाहिए, तो समस्या खड़ी होती है। और ये समस्या खड़ी ना हो यही तो राजा का काम है, यही तो अशोक ने किया। इसीलिए बुद्ध और अशोक, बुद्ध की और महावीर की जो अहिंसा है वो बौद्धिक जागरूकता की पराकाष्ठा है, और अशोक की जो अहिंसा है वो सब जब समान रूप से जी सकें सबका अधिकार है। क्या मुसलमान को भगा देंगे देश से, हिंदू को भगा देंगे देश से, जो आ गया वो नहीं जाएगा। लेकिन आ गए ठीक है, लेकिन जियोगे कानून के हिसाब से, रहोगे स्वभाव के हिसाब से। तुम्हारे स्वभाव से जीने में कोई बाधा आती है उसी के लिए राजा होता है, यही काम राजा अशोक ने किया। शेर हो शेर की तरह जियो, सियार हो सियार की तरह जियो। क्या सियार खराब पा रही है, शेर अच्छा है? अरे शेर शेर के लिए अच्छा है, सियार सियार के लिए अच्छा है, चूहा चूहा के लिए अच्छा है, मच्छर मच्छर के लिए अच्छा है, हम इंसान हैं हम इंसान के लिए अच्छे हैं। तो सबका अपना स्वभाव है, उस तरह हमारा भी अपना स्वभाव है। और जीव इस जगत का हर प्राणी अपने स्वभाव के हिसाब से जी सके यही तो राजा का काम है, यही अशोक ने किया। तो इतना सब कुछ व्यवहार में जब आया तब जाके राजा और अशोक के प्रति लोगों में निष्ठा पैदा हुई, तब वो महान कहलाए। इतना आसान नहीं था ये। अब कोई एक धर्म का व्यक्ति आ जाए बोले कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे अकेले, जो हमारी बात मानेगा वो ठीक है, नहीं मानेगा वो देशद्रोही है, जो मेरी भाषा बोलेगा वो ठीक है, नहीं बोलेगा तो वो देशद्रोही है। क्या ये राजा का वक्तव्य होना चाहिए? उसका धर्म अपने स्वभाव से जिएगा, हमारा धर्म अपने स्वभाव से जिएंगे। लेकिन स्वभाव एक दूसरे के स्वभाव से टकराहट नहीं आना चाहिए। हम लोग 8-7 में पढ़े थे एक कहानी, एक छड़ी घुमाते चला जा रहा था, आई एम फ्री कहते हुए एक आदमी आया उधर से सामने से, बोला तू फ्री है जरूर, लेकिन तहां तक फ्री है जहां से मेरी नाक स्टार्ट होती है, तेरी छड़ी अगर मेरे नाक में स्टार्ट छुआ गई तो आई एम भी फ्री, तुम ही फ्री नहीं हो, मैं भी फ्री हूं, लौट के मारने के लिए मैं भी फ्री हूं। तो तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। तो जो इन दोनों को फॉलो करता है तो समाज में चैन रहेगा, और जो दूसरे की स्वतंत्रता में प्रवेश करने की कोशिश करेगा वही व्यक्ति आतंकवादी कहलाता है। आतंकवादी उसको कहते हैं को दूसरे के जीवन शैली में घुसता है प्रवेश करने का, और ये कोई धर्म किसी जात का व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति हो सकता है। अगर बड़े भाई के अधिकारों में छोटा भाई घुसता है दैट इज आतंकवादी, बड़ा भाई छोटे के अधिकार में घुस रहा है वो भी आतंकवादी है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के अधिकारों में घुसता है वो भी आतंकवादी है। आतंकवादी कोई किसी धर्म विशेष की रजिस्ट्री नहीं है, एक व्यवहार है, ये एक चरित्र है, ये या कई आचरण है, और ये आचरण चाहे जहां मिल जाए वो हर व्यक्ति आतंकवादी करेक्टर का है, और ऐसा करेक्टर ना हो इसी के लिए अशोक प्रयास में थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म की इतनी प्रशंसा न करने लगे कि दूसरे के धर्म का सम्मान भूल जाए।
हम अपने धर्म का इतना सम्मान न करने लगे, इतनी महात्मा का छवना आ जाए कि दूसरे के धर्म का सम्मान भूल जाए। इसलिए अशोक चूंकि सारे धर्मों के राजा है, सबका संरक्षण का काम था, तो उसका भी उपाय निकाला। उन्होंने बोला कि सारे धर्म की सार तत्व की वृद्धि हम चाहते हैं। अब सार तत्व किसे कहेंगे भाई? किसी भी धर्म का सार तत्व क्या होता है? तो आज समझिए सार तत्व क्या है। जिस तत्व से, जिस आचरण से यह पता न चले कि कौन धर्म का व्यक्ति है, वही धर्म का सार है। जिस व्यवहार से यह पता न चले कि कौन धर्म का व्यक्ति है, वही सार है। मां बाप की सेवा करना चाहिए, कौन से धर्म का है? अगर कोई व्यक्ति मां बाप की सेवा करते हुए मिल जाए तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कौन धर्म का है? अनुमान लगा पाएंगे? अच्छा आदमी है, इतना अनुमान लगा पाएंगे? कौन धर्म का है अनुमान नहीं लगा पाएंगे। कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, कौन सा धर्म का अनुमान लगाएंगे? अच्छा आदमी है, इतना अनुमान लगा सकते हैं। वो शराब नहीं पीता है, कौन सा धर्म का आदमी है? कौन सा धर्म का आदमी है? महिलाओं का सम्मान करता है, किसी महिला को सम्मान करते देखेंगे तो क्या लगेगा कि कौन सा धर्म का आदमी है? तो जिसके व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से पता न चले कौन धर्म का आदमी है, वही धर्म का सार तत्व है। जिससे सीधा लोक कल्याण जुड़ा हुआ है, बाल से लोक कल्याण नहीं जुड़ा है, वस्त्र से लोक कल्याण नहीं जुड़ा है, तो अगर बाल वस्त्र में चेंज जा रहा है तो वो धर्म का हिस्सा नहीं है। जिससे पहचाने जाते हैं वो धर्म का हिस्सा नहीं है, जिससे पहचान लिए जाते हैं वो धर्म का हिस्सा नहीं है, जिससे नहीं पहचाने जाएंगे वो धर्म का हिस्सा है। नंगा आदमी खड़ा हो कैसे पता चले कौन धर्म का है? 206 हड्डी सबकी है, तो 206 के बाद जो कुछ है सब आवरण है। तो अशोक ने ही कहा कि सारे धर्म की सार तत्व वृद्धि राजा चाहते हैं, तो मां बाप की सेवा करना है। कोई व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करता है, आपको दिखाई देगा तो कैसे अनुमान लगाएं कौन धर्म का व्यक्ति है? अच्छा आदमी अपने गुरु की इज्जत करता है, अपने बंधु बांधव, अपने जात बिरादरों का सम्मान करता है, इससे कैसे पता चलेगा? तो सुखना तुम्हारा कोई भी धर्म हो, लेकिन यह तुझे करना है, मां बाप की सेवा करनी है, गुरुओं का सम्मान करना है, अल्प व्यय और अल्प संचय की नीति पे चलना है, और कृतज्ञता व्यक्त करनी है अपने लोगों के प्रति। ये सारा सब कुछ रहेगा तो कोई कलह की संभावना है? हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो संभावना है। तो एक ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाया अशोक ने। अब दास और नौकरों का के साथ उचित व्यवहारिक राजा से क्या मतलब है? नौकर से एक विश्वविजयी राजा जिसका पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, वो पत्थर पर लिखवा रहा है, किताब में खाली नहीं पत्थर पर, कि नाक नौकर चाकरों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। इसका मतलब कि समाज और राष्ट्र की और परिवार की अखंडता में नौकर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसको छोटा समझेंगे तबाह हो जाएगा परिवार, है कि नहीं है? इसीलिए ड्राइवर साहब कहलाता है, मास्टर साहब कहलाता है, साहब कंडक्टर साहब कहलाता है। साहब कौन लोग कहलाते हैं? जिनके हाथ में आपका जीवन होता है। डीएम भी रहेगा तो ड्राइवर को क्या बोलेगा? डीएम साहब, जानता है लड़ा देगा तो काम खत्म, डीएम वो कुछ नहीं चलेगा, लड़ गया खत्म हो जाएगा। तो डर के मारे डीएम साहब बोलते हैं उसको, ड्राइवर साहब। मास्टर को क्या बोलते हैं? मास्टर साहब। क्यों? कि आपके बेटे का करेक्टर, उसका करियर पूरा उसके हाथ में, चाहे तो करियर समाप्त कर देगा। वो लोग साहब होते हैं जिनके हाथ में आपका करियर हो, आपका जीवन हो, वो साहब होते हैं। ये कोई डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं, एक व्यवहार है ये। तो ऐसा समाज, तो ऐसा करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो एक ऐसी संस्कृति को अशोक आगे बढ़ा रहे थे ताकि दास नौकर भी उसमें उपेक्षित न होने पाए, क्योंकि उसकी भी बड़ी भूमिका है, नहीं तो इतना बड़ा राजा। और इसके बाद वो लिखते हैं कि इतना सब कुछ आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं, आसानी से नहीं कर रहा हूं, ये बड़े पराक्रम के साथ, बड़ी उद्योग के साथ मैं कर रहा हूं, और यह कार्य संपूर्ण त्याग और चोटी के पुरुषार्थ के बरस संभव नहीं है। एक बात एक राजा बोल रहा है जिसके साथ कई सौ अधिकारी काम कर रहे हैं। अब हमारे चोटी का पुरुषार्थ और एक राजा के चोटी का पुरुषार्थ, दोनों फर्क हुआ कि नहीं? मैं अकेले काम करूंगा, अब मुख्यमंत्री का चोटी का पुरुषार्थ होगा क्या? पूरे डीएमएसपी काम करेंगे, वो चोटी का पुरुषार्थ साथ में चलेगा। तो एक राजा बोल रहा है चोटी का पुरुषार्थ, और वो चोटी का पुरुषार्थ ही इतने बड़े साम्राज्य में शांति स्थापित कर पाया। राजा अपने दम पे नहीं, जनता के सहयोग से ये हो पाया।
किसी राजा की हैसियत है जनता में स्थापित कर देगा जब तक जनता नहीं चाहेगी, तो जनता कैसे चाहेगी। इसलिए वो अपने शासन की सारी बातों को अनुशासन की ओर ले जा रहे थे कि सारी काम जनता स्वयं करे। तो आदेश तो जारी हो गया, तो राजा को यह भी देख रहा है कि माँ बाप की सेवा हो रही कि नहीं हो रही है, खाली कानून लागू हो गया तो नहीं ना हुआ, सेवा हो रही कि नहीं देखना है। इसके लिए भी अधिकारी लगाए कि ये सब चेक करना है हर महीने, साल दो साल तीन साल पर, कि ये सब हो रहा है कि नहीं समाज में। तो कौन चेक करेगा? अब हमने जिस अधिकारी को भेजा वही भ्रष्ट है। हाँ राजा साहब सब ठीक चला, पूरा गांव दूध पी रहा है, पूरे गांव में दूध पी रहे हैं, एकदम दूध की नदी बह रही है, क्योंकि वो पी रहा है ना, जनता थोड़े पी रही है। तो अधिकारी भी ऐसा होना चाहिए जो सही रिपोर्टिंग राजा को करे। तो पहले कोशिश किया रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन सही रिपोर्ट नहीं आई, तो दो स्पेशल अधिकारी उन्होंने नियुक्त किया जो खास ट्रेंड थे, जो राजा के सीधा संपर्क में थे, जिसमें एक महामात्य और एक रज्जुक। रज्जुक का मतलब जो राजा के अनुरूप काम करे वो रज्जुक है भाई, जो राजा के भावनाओं को समझता हो, राजा के अनुरूप काम करता हो, वो नाम उसका रज्जुक हो गया। ये दोनों नए अधिकारी अशोक ने नियुक्त किया, पुराने वालों के साथ एडजस्ट किया कि इनके साथ एडजस्ट करता हूँ, लेकिन मैचिंग नहीं होती थी भाई। जिसको घूस लेने की आदत है, अब कोई नया व्यक्ति आ जाएगा ईमानदार तो मैचिंग करेगा, या तो यही उल्टी कर देगा या तो वही उल्टी कर देंगे, पचा नहीं पाएंगे उसको। तो नहीं पचा पाए, तब स्पेशल अधिकारी आए महामात्य और रज्जुक, और रज्जुकों के हाथें जब जनता को सौंपा उन्होंने, तब स्पेशल ट्रेंड करके सब कुछ सिखा के, तो जब सारे अधिकारियों को जब सिखा पढ़ा के वर्क देने लगे होमवर्क, तो खड़ा होकर उन्होंने कहा कि जिस लेवल पर मैं मानवता कल्याण करना चाहता हूँ, जिस स्तर पर, शायद सब लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे उस लेवल पर, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। तो कौन समझ रहे थे? जो राजा के द्वारा स्पेशल ट्रेंड अधिकारी थे, वो समझ रहे थे कि जनता का कल्याण किस लेवल तक करना है, और वो रज्जुक थे, महामाते थे, और ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं थे, ये सर्वलोक हित के लिए थे, सारे लोगों के लिए थे। क्यों? क्योंकि अशोक की नज़रों में सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं था, उसमें कोई जाति थी, न कोई धर्म था, न कोई कुछ भी था। अगर हमारी प्रजा के एरिया में है तो मेरी संतान है, बस। तो उन्होंने दो अधिकारी नियुक्त किया, और नियुक्त करने के बाद बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, ये बहुत कॉन्फिडेंस होगा तभी कोई कह पाएगा। बोला कि मैं इन अधिकारियों के हाथ अपनी प्रजा को सौंप करके मैं उस तरह आश्वस्त हूँ जैसे कोई अपने बच्चे को किसी धाय के हाथ में दे के संतुष्ट हो जाता है। किसी धाय के हाथ में अपने बच्चे को दे दिया कि मैं बाहर चला जाऊंगा या चला जाऊंगी तो ये हमारे बच्चों को मेरी ही तरह ठीक से ख्याल करेगी। ऐसा अधिकारी अशोक ने जब नियुक्त कर लिया, तब उन्होंने कहा कि अब मैं संतुष्ट हूँ कि मैं नहीं भी रहूँगा तो मेरी प्रजा इनके हाथें सुरक्षित रहेगी। इस लेवल का राजा आज से 2300 साल पहले सोच रहा है, आज से 2300 साल पहले ही, ये तो मैं आसानी से बोल रहा हूँ, ये आसान उस समय नहीं रहा होगा। तो कोई भी महापुरुष जब काम करता है तो वो अपने काल की परिस्थितियों से जूझता है, तो उस काल में वो जूझ रहे थे और अपने काल में बाबा साहब जूझ रहे थे। तो अपने काल के महान पुरुष हुए अपने कार्यों को करके, ये अपने काल के महापुरुष हुए अपने परिस्थितियों से काम करके, लेकिन उद्देश्य दोनों का मानव का कल्याण ही था, उद्देश्य दोनों का एक ही था। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहब ने भी भगवान बुद्ध के धर्म को ग्रहण किया, अशोक ने भी किया, सुनीत ने भी किया, आम्रपाली ने भी किया, कनिष्क ने भी किया, बहुत सारे लोग किए। तो जितने सारे लोग बाबा साहब के धर्म के अनुयायी बने, भगवान बुद्ध के धर्म के अनुयायी बने, ये अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे थे। सबकी समस्या एक नहीं थी, आम्रपाली की समस्या कुछ और थी, सुनीत की समस्या कुछ और थी, अशोक की समस्या कुछ और थी, वो पागल हो गए थे लोगों को मार के, तो इनको तो बेचैनी का रोग था। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब की समस्या कुछ और थी। तो समस्याएं भले अनेक हो सबकी, लेकिन समाधान सबका एक ही था, भगवान बुद्ध का धर्म, एक ही समाधान था सबका। इसीलिए एक ही धर्म से सुनीत का भी कल्याण हो गया, उसी धर्म से अशोक का भी कल्याण हो गया, उसी धर्म से परम पूज्य बाबा साहब का भी हो गया, और पूरे समाज का हो गया। बस फर्क क्या है कि ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कब देनी है, क्योंकि सदा सच बोलो ये हर किताब में लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? सदा सच बोलो हर किताब में लिखा है, लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसी किताब में नहीं लिखा है। और जो नहीं लिखा है वही मेन बात है, जो नहीं लिखा है वही मेन बात है। और वो सही समय परिस्थिति का ज्ञान ना हो तो सच बोल के पूरा जमाना आपका दुश्मन हो जाएगा, और झूठ बोल के कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब उसको झूठ बोलने का ज्ञान है और हमको सच बोलने का ज्ञान नहीं है, तो गड़बड़ी हमारे अंदर है। तो पुतला उसका काहे फूंक रहे हो भाई? मच्छर आपको काट रहा है, रागी पड़ोसी को काट रहा है, तो आप मच्छर ले लो, उससे काहे चिल्ला रहे हो? समस्या आपकी है तो समाधान आप ना करोगे कि पड़ोसी करेगा? अब पड़ोसी का पुतला फूंक दोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? तो इसको समझना है हम सभी को, जिस अभियान में हम हिस्सा हैं वो अभियान कोई साधारण अभियान नहीं है। जितनी आज़ादी में कुर्बानी नहीं देनी पड़ी थी, उससे ज़्यादा कुर्बानी इस अभियान में देनी पड़ेगी। ये खेल नहीं है। और सम्राट अशोक जैसे लोग इसमें प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, आपका समस्या का समाधान बन सकते हैं आपका, लेकिन उसके लिए सही समझ होगी तब, सही समझ होगी तब। इसीलिए अशोक ने धर्म के प्रति सही समझ पैदा हो इसके लिए धम्म यात्राएं की, धम्म चर्चा किया, धम्मचर्या किया। ऐसा क्यों किया? ताकि मेरा सही धर्म जनता में पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ जगह मैं पहुंचा रहा हूं, कुछ जगह महामात्य पहुंचा रहे हैं, कुछ जगह जो सुन गया वही पहुंचा रहा है, तो कहीं बीच में गैप तो नहीं हो रहा है? मैं पहुंचा रहा कि माँ बाप की सेवा करो, और कहीं वहां ये तो नहीं पहुंच रहा है कि मन करी तो करो, मन करी तो मत करो, ऐसा तो नहीं पहुंच रहा है? ऐसा तो नहीं पहुंच रहा कि मन करे तो करना है, मन करे तो नहीं करना? नहीं करना ही है, ये राजा का आदेश है। लेकिन पहुंच रहा है वोल्टेज कम होके, उसकी फ्रीक्वेंसी कम वहां पहुंच रही है, तो राजा को चेक करना है कि जिस फ्रीक्वेंसी में भेज रहा हूं सेम वहां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। इसलिए राजा का सीधा संपर्क जरूरी था प्रजा से, बीच में अधिकारी डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, तो राजा ने सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए धम्म यात्राएं की, ताकि मैं जीता सीधा जाके धम्म चर्चा करूंगा तो सारे कंफ्यूजन मिटेगा। इतना सारा काम हुआ, एक राजा कर रहा है जो सारी सुख सुविधाओं से लैस है, उसको किसी चीज की परेशानी नहीं है, फिर किसके लिए कर रहा है? वो तो राजपाट करना चाहिए, घर में बैठ के राजमहल में राज करना चाहिए। लेकिन राजमहल में बैठ के भी कहता है कि मैं चाहे रनिवास में ही क्यों न रहूं, मैं भोजनालय में ही क्यों न रहूं, घोड़े पर चढ़ता ही क्यों न रहूं, इवन सोया ही क्यों न रहूं, जनता के दुखों की सूचना मुझे किसी भी समय प्रतिवेदक दे सकता है। यह आसान बात है, आसान बात है। यानी मेरा मोबाइल अगर हमेशा ऑन है तो मेरे विधायकों का मोबाइल भी हमेशा ऑन होना चाहिए, मेरे अधिकारियों का भी मोबाइल हमेशा ऑन होना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले सबका ऑन था और चुनाव के बाद स्विच ऑफ हो गया है कि नहीं है? तो सोचिए कि क्या हम सीख रहे हैं अशोक से। इसलिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद प्रतीकों को क्या लाया जाएगा, क्या प्रतीक होगा? तो क्योंकि किसी भी राजा का दो तरह का शासनकाल होता है, एक उसके जीते जी, ये उसके नहीं रहने के बाद। तो अशोक ने 38 साल शासन किया जीते जी, अब वो नहीं रहे तब शासन खत्म नहीं। एक होता है दैहिक शासन, एक होता है वैचारिक शासन। दैहिक शासन उसे कहते हैं कि जब तक राजा जिंदा है तब तक राज्य कर रहा है और सब देख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन उसके नहीं रहने के बाद उसके विचारों का प्रवाह जब तक चलता रहता है तब तक उसी का शासन माना जाता है। तो आज से बहुत साल पहले अशोक नहीं रहे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र आ गया और राज मुद्रा पर अशोक स्तंभ आ गया, तो ये प्रतीक चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि अशोक का देह शरीर भले न रहा हो लेकिन वैचारिक शासन आज भी चल रहा है उन्हीं का। लेकिन फर्क इतना ही है कि अशोक चक्र को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक के चरित्र को हमने स्वीकार अब तक नहीं किया है। अगर चरित्र को भी स्वीकार कर लेते तो कोई पड़ोसी देश हमारा दुश्मन नहीं रहता, क्योंकि अशोक ने पहली बार कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी परिवार है। और परिवार कहा ही नहीं, जैसी करनी मैंने करनी सब एक समान थी अशोक की। कहा अब श्रीलंका उनका परिवार था क्या? वहां उनके बिरादरी के लोग थे कि उनका देश है, तो बेटा बेटी वहां क्यों भेजा? बेटा बेटी वहां क्यों भेज दिया भाई? बहुत सारे भिक्षु संघ को बाहर क्यों भेजा? इसका मतलब पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते थे, तो वसुधा में जो मेरी संपर्क में आता है वो सबका कल्याण होना चाहिए, इसलिए वेल प्रशिक्षित करके बौद्ध भिक्षुओं को वहां भेजा।
ताकि वो धम्म का प्रकाश वहां तक पहुंचे जहां अब तक नहीं पहुंचा है। किसके लिए वो कर रहे थे? भारत में तो थे ही, बाहर क्यों भेजे जम्बूद्वीप के बाहर? तो सोचिए, आज से 2500 साल पहले एक आदमी 2000 साल पहले सोच रहा है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है और हर परिवार के सदस्य की रक्षा करना हमारा काम है, इसलिए मैं राजा हूं और ये जितना भी मैं काम करूं प्रजा का मुझे संतोष नहीं होता है। मैं रात दिन काम करूं प्रजा का मुझे संतोष नहीं होता है, मेरा संतोष ही नहीं होता, मैं रात दिन काम करना चाहता हूं। तो दूर देशों तक लोगों को भेजा। अब कुछ लोग आज नाटक करते हैं कि पूरी वसुधा का, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं। अरे यार, जो अपने भाई को भाई नहीं माना, जो अपने ही भाई को अपने ही भाई को छूत माना कि तेरा छुएंगे नहीं, तेरा छुआ खाएंगे नहीं, जो अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं है वो पूरी वसुधा का परिवार मानेगा? ये नाटक नहीं तो क्या है? ये नाटक है और कुछ नहीं है। बात तो हो सकती है लेकिन व्यवहार नहीं दिखता है। तो अशोक ने बात भी किया और व्यवहार भी किया, तब निष्ठा पैदा हुई। आज केवल बात हो रही है, व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए निष्ठा पैदा नहीं हो रही है। ये अशोक का सफर है और इस सफर के राहगीर हम लोग हैं, इस सफर के रहबर हम लोग हैं, इस सफर के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो अब अशोक की जैसे गुजरी गुजर गई, बुद्ध की जैसे गुजरी हो गुजर गई, बाबा साहब की जैसे गुजरी हो गुजर गई, अब उनके विचारों के वारिस हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी अब हम हैं। अब हमारा विचार, हमारा व्यवहार तय करेगा कि ये कैसे लोग हैं। अगर हम गलत करेंगे तो हमारा प्रक्षेपण यहां जाएगा। बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर कुछ गलत करेंगे तो लोग ये समझेंगे बुद्ध करते थे। तो आज से जान लीजिए कि दुनिया के जितने सारे धर्म हैं वो अपने अनुयायियों के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने अनुयायियों के दम पर। कोई व्यक्ति किसी संघ का सदस्य हो लेकिन पढ़ता तो सेंट जॉन में ही है ना बेटा, उसका सेंट थॉमस में ही ना पढ़ता है, गुड मॉर्निंग ही ना बोलता है रोज सवेरे, तो सलामा लेकुम कहने से धर्म नष्ट हो जाता है और गुड मॉर्निंग बोलने से बौद्धिकता का पता चल जाता है। कोई सलामा लेकुम बोल दिया तो उसे धर्म का पता चल जाता है, और कोई गुड मॉर्निंग बोल दिया तो पढ़ा लिखा होने का प्रतीक होता है, उससे धर्म का एहसास नहीं होता कि ये भी किसी धर्म का है गुड मॉर्निंग। तो ये दिमागी रोग है हमारा कि शब्दों में भी हम धर्मों की तलाश करते हैं। तो इस तरह से अशोक ने इस चीजों को दिया, तो कहा कि मैं किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका कोई धर्म है क्या फर्क जाता है? कोई शराब पीता उसको क्या, कोई धर्म है क्या फर्क पड़ जाता है उसका? कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसका क्या धर्म है, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? और वो झूठ बोलता नहीं, शराब नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता ये सारे काम, तो भी उसका धर्म क्या है, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम कितना ज्ञानी हो, किस धर्म के हो, ये माने नहीं रखता, तुम करते क्या हो ये माने रखता है। इसीलिए ईश्वर का सीधा दर्शन कराने वाले लोग आज जेल में हैं कि नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे चरण के पुजारी तो लाखों थे लेकिन आचरण तेरा ठीक। तो बाबा साहब ने एक नियम बनाया संविधान में कि तेरे चरण के पुजारी लाखों हो जाएंगे लेकिन तेरा आचरण अगर ठीक नहीं है तो तेरी जगह आश्रम में नहीं जेल में होगी। है कि नहीं है जेल में? तो पावर किस में है, ऊपर वाले में कि संविधान में? तो हम ऐसे लोग हैं जो करंट है किसी और बोर्ड में, आप प्लक लगाए हैं किसी और बोर्ड में, 70 साल बीत गए घर बल्ब जला नहीं। क्यों? कि इससे पूछता हूं कि भाई तेरी जिंदगी, पढ़े लिखे लोगों से तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, तो कहता ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रही है। क्या आदमी है रे भाई, ऊपर वाले कृपा से अच्छा चल रही है। मैं बोलता हूं तू लात खाता था तब भी ऊपर वाला था, तू जब लात खाता था तब भी ऊपर वाला था, अब तू लात नहीं खा रहा है इसके लिए तू ऊपर वाले कृपा मानता है, इसीलिए तेरी बौद्धिक विकलांगता इससे ज्यादा क्या हो सकती है। तो सोचिए कितना पावरफुल चीज हम लोगों के पास है लेकिन उधर ध्यान नहीं है। हम लोग जाते बोलते हैं कि अरे भाई तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? तो तेरा हीरो इधर है और तुम्हारा ध्यान किधर है? ध्यान को इधर ले आओ जहां तेरा हीरो है। तो इस तरह से सम्राट अशोक का जो सांस्कृतिक योगदान था ये हमारे जीवन को बड़ा निखारा है और दुनिया को एक
एक अच्छी संस्कृति देने की कोशिश की। बहुत सारे कार्य हैं, इतने सारे महापुरुषों पर कितना बोला जाएगा, कई दिन बोला जाएगा, बोलने की चीज़ ही नहीं है, बोलने की चीज़ ही नहीं है, ये बोलने की चीज़ नहीं है। भगवान बुद्ध और अशोक ये सब बोलने की चीज़ नहीं है, ये व्यवहार करने की चीज़ है। पूरा पंचशील याद है, करते कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा उससे। कोई आके मेरी तारीफ करे, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बोल रहे थे, अब मैं अच्छा बोला तेरा क्या भला इसमें होना है, अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ उसमें आपका क्या भला होना है, कुछ नहीं होना है। आपका भला तब होगा, मेरा भी भला तब, मेरा भी भला तभी होगा जो मैं बोल रहा हूं वो करूंगा, और आपकी भला तभी होगा जो सुन रहे हैं वो करेंगे। यहां किसी का छूट नहीं है कि बोलने वाला का छूट है और सुनने वालों को छूट नहीं है, सबको वही करना है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो सम्राट अशोक को हम लोगों ने धीरे धीरे धूल के पन्ने जो उस पर चढ़े हुए हैं उसको हम सब लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं करने का। निश्चित रूप से एक आस्था के साथ, एक श्रद्धा के साथ हम लोग लगे रहे बिना आबाद गति से, तो एक दिन समय ऐसा आने वाला है कि जैसा आप चाहते हैं वही आने वाला है। बस घबराना नहीं है, भटकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।